अस्सलाम वालेकुम नाजरी। हमारे किचन में आज हम बना रहे हैं हरे मसाले के पाए। ये बकरे के पाए हैं जो हम हरे मसाले में बनाएंगे। लाल मिर्ची का यूज़ इसमें हम नहीं करेंगे। और ये पाए जो है आप ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। और सर्दियों का सीज़न है, ये सीज़न में पायों का सालन बहुत अच्छा लगता है और हर किसी को अच्छा लगता है। ठंडी के मौसम में पाए बनाना भी चाहिए। तो अब हम इसके लिए जो जिन चीज़ों को ले रहे हैं, अशिया को ले रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये हमने दो बकरे के पाए ले लिए हैं। इसको हमने आटा और नमक लगा के खूब अच्छे से मल मल के धो लिया है, क्योंकि इस पे बाल लगे होते हैं और कचरा मैल वगैरह कचरा लगा हुआ होता है, उसे हमने खूब अच्छे से साफ कर लिया है। इसके बाद ये जो खूर थे उसके बकरे के पैर के नीचे जो जूते बोलते हैं, इसे हमने जला लिया और गैस पे जलाने के बाद में इसे एक पत्ते से तोड़ लिया, इसका कवर जो था, इसका जूता उतार लिया इनके, और उसके बाद में छुरी से घस घस के इसको साफ कर लिया। अगर आपको ये पसंद है तो आप डालिएगा, वरना इसको सेपरेट पे अलग से भी बना सकते हैं, और अगर नहीं डालना है तो आप इसे ज़ाया भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिए यहाँ पर लहसुन, एक डेढ़ लहसुन है पूरा हमने लिया है छिलकर, और ये डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे हमने स्लाइस में लंबाई में काट लिया है। ये तीन प्याज है मीडियम साइज की, जिसको हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये साबुत ही डालेंगे। अदरक लहसुन भी हम ऐसे साबुत ही डालेंगे, इसका नहीं डालना है। और ये हमारे पास गरम मसाले हैं। गरम मसालों में ये सबसे पहले तो शाहजीरा है एक चम्मच हमने लिया है, ये 8-10 लौंगे हैं, तेज पत्ता है 3 अदद, ये हरी इलायची है ये 5 अदद 6 अदद है, और ये एक चम्मच भर के हमने काली मिर्च ली है साबुत, और ये 2 बड़ी वाली इलायची। इनके सबके हम मुँह खोल देंगे, इलायचियों के जो है थोड़ा सा चीरा लगा देंगे ताकि इनका फ्लेवर हमारे सूप में आ जाए। इसके अलावा ये एक छोटा सा हमने जायफल का टुकड़ा लिया है, और ये थोड़ा सा हमने जायफल ले ली है। और अब जो है हम इसे पाए को गलने के लिए रख रहे हैं कुकर में, और कुकर में डालने के बाद में इसे हम 45 मिनट तक हाई फ्लेम पर, पहले तो हम इसको प्रेशर आने देंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद में 45 मिनट तक स्लो आंच पे से हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तभी हम इसको कुकर में रख के आपको बताते हैं। ये हमने कुकर ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम नीचे प्याज डालते हैं ताकि प्याज जो है पूरी तरह से घुल जाए और शोरबे में जो है उसका जो है अरक उतर जाए। इसके बाद हम इसमें ये सारे जो खड़े मसाले हैं ये डाल देते हैं। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, पाए को हम पका लेंगे ऐसे गला लेंगे, उसके बाद हम नमक डालेंगे, अभी नमक हम शामिल इसमें नहीं करेंगे। और उसके बाद हम ये जो है अदरक लहसुन ये भी हम ऐसे ही डाल देते हैं। अब हम इसमें ये जो खुर है ये डालते हैं, ये अगर आपको पसंद हो तो डालिए, इसका भी अरक निकलेगा तो सूप अच्छा ही बनेगा, सालन जो है हमारा बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो है ये पाए हम इसमें डाल देंगे। पाए शामिल करने के बाद हमें पानी इतना डालना है कि पाए हमारे इसमें डूब जाए। ये हमने पानी लिया है, डाल देते हैं इसमें हल्दी, लाल मिर्च या धनिया या ऐसा कोई मसाला और नहीं डालना, बस इतने ही मसाले जाएंगे, नमक भी नहीं जाएगा। और हमने पानी बस ये डूबने इतना पानी डाल दिया है, ये पाए हमारे इसमें डूब गए हैं। अब इसको हम बंद कर देते हैं कुकर को, कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, और इसे पहले हाई फ्लेम पर सीटी आने तक पकने देंगे। और जब सीटी आ जाएगी, एक सीटी आने के बाद में आँच को स्लो करके 45 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हमने कुकर को जो है गैस पे से उतार लिया है, क्योंकि अभी 45 मिनट तक वो प्रेशर आने के बाद में पाए पक गए हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके का प्रेशर नहीं निकाला कुकर में, इसमें अभी प्रेशर मौजूद है, इसको अपने आप ठंडा होने देंगे। तब तक हम जो है ये जो दूसरे मसाले लगने वाले बघार के लिए वो आपको दिखा दें। ये हमने 3 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है जिसको स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा हमने ये पुदीना और धनिया इसको मोटा मोटा पीस लिया है। अदरक लहसुन आपको बताया था, अदरक लहसुन हम 2 चम्मच इसमें से डालेंगे, ये पीस लिया है हमने। मिर्चें भी हम हरी मिर्ची है 6-7 मिर्ची है, इसको भी हमने पीस दिया, ज़्यादा तीखी वाली मिर्चें नहीं है।
ये हल्दी लिया है 1.5 चम्मच और धनिया पाउडर जो है वो 3 चम्मच के करीब है, हमारे बड़े चम्मच भर के हमने लिए है। और नमक अभी तक हमने कोई भी चीज़ में शामिल नहीं किया, इसीलिए भी हमने नमक जो है हसबी जायका लिया है आपके अपने अंदाजे से। नमक तो आपके जितना आपको लगता है उतना आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और ये जो तेज़ पत्ते हैं ये बघार में हम लेंगे। और ये प्याज पहले यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, गैस की फ्लेम हमारी ऑन है और हमने इसको स्लो पे ऑयल जो है डेढ़ प्याली करीब हमने रखा है। और अभी क्या करते हैं, पहले ऑयल को बघार में ये हम तेज़ पत्ता डाल देते हैं और इसी में हम क्या करते हैं ये प्याज डाल के इसका बरिश्ता बना लेते हैं, प्याज को ब्राउन करके डाल देते हैं। और फिर आपको जब तक ऊपर भी जो है वो प्रेशर भी जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद हम आपको बताते हैं बरिश्ता और प्रेशर निकालने के बाद में बताते हैं। हमने प्याज तल के निकाल ली है और ये तेज पत्ता जो है ये भी अच्छा फ्राई हो गया है और इसका जो है जो अरोमा था ये तेल में आ गया है, इसको भी हम फेंक देंगे निकाल के और प्याज को मिक्सर में पीस देंगे। अभी हम कुकर खोल के देखते हैं भाई हमारे गले या नहीं गले। पाई भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए, जैसे हमें चाहिए थे वैसे ही गल गए हैं। और इसमें सारा हम गरम मसाला साइड में निकाल देंगे और पायों के ये जो पाए हैं वो अलग कर देंगे और उसको छान लेंगे। और अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है जो हमने मसाले पीसे हुए हैं इसे यहाँ पर ऑयल हमारा जो है ये ऑयल जो है हमने प्याज जिसमें तली है वही ऑयल है और ये गर्म है अभी, इसी में हम मसाले अपने भून लेते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट के हमारे ऑयल में तेज पत्ता हमने ऑलरेडी पहले ही तल के निकाले, तो ये ऑयल जो हमारा बहुत फ्लेवर वाला है, इसमें और कोई फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं है। और गर्म मसाले हमने भरपूर डालेंगे। अब ये हरी मिर्चें भी डाल देते हैं और ये कोथमीर पुदीना जो हमने पीसा हुआ है ये भी नहीं भूनेंगे, वरना सालन का कलर जो होता है वो काला हो जाता है, अभी नहीं डालते हैं इसको नहीं भूनेंगे। अब कोथमीर और पुदीने को अभी नहीं भूनेंगे, इसकी फ्लेम को थोड़ी हाई करते हैं। और अब ये हल्दी पाउडर जो है ये डाल देते हैं, लाल मसाले का टेस्ट अलग होता है और ग्रीन मसाले का जो है टेस्ट जायका अलग होता है। दोनों भी मेरी जो है पहली रेसिपी थी पायो की वो लाल मसाले की बनाई हुई थी, वो भी आप ट्राई करें और ये वाली भी ट्राई करें, दोनों भी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत अच्छी है। तो आप जब बनाएंगे तो अपने घर वाले लोग उसे पसंद करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा और बहुत ईजी तरीके से हमने बनाए हैं। मैंने मिक्सर में जो मसाला पीसा था उसी में हमने पानी डाल दिए मसाले को, तेल सेपरेट होने तक हम भूनेंगे। ये हमारे तांबे की देखी है जिसमें हम बना रहे हैं बिरयानी पुलाव या कोरमा या इस तरह के जो डिशेज होते हैं वो इन बर्तनों में बहुत अच्छे आते हैं और चिकन बन के लेकिन इसका अपना अलग ही जायका आता है। कलाई वाला बर्तन बर्तन है उसकी जो एनर्जी होती है दरअसल वो एनर्जी के लिए हम लोग खाते हैं। हमारा जो है ये है कि इंसानी जिसम को जो है मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी खानों से मिलती है, बर्तनों के टच में आने से मिलती है, अगर ये तांबे में बनाने से इसकी एनर्जी हमको मिलेगी। और ये हमारा गिलास है, ये हमारा चांदी का गिलास है जिससे हम पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी हमको अलग मिलेगी। तो इस तरह से एनर्जी का भी जो है आप ध्यान दें कि हमारे जिसम को इससे क्या मिल रहा है। नॉन स्टिक पे अच्छा तो बनता है, ईजी भी पड़ता है, घुलने में भी बर्तन आसान होता है, लेकिन हमें जो मिनरल्स और जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसे वो हमको मिल जाती है। और ये एक बार गर्म हो जाने के बाद में बहुत अच्छा इसमें बनता है खाना, क्योंकि देर तक गर्म भी रहता है, गैस बंद करने के बाद भी काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। जब मसाला भूनती जब तक ये मसाला भून रहा है हम
जो है पाए को छोटी से अलग कर लेते हैं और वो ग्राइंडर में प्याज पीस लेते हैं। फिर आपको दिखाना है, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से बन गया है और पूरा तेल सेपरेट हो गया है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, जब भी पाए बनाओ तो उसकी जो पाए की चिकनाई छूटती है और ये वैसे ही चिकना हो जाता है। पाए जो है वैसे चिकने होते हैं और पाए का भी ऑयल छूटता है, तो इसके लिए आप ऑयल जब भी डाले तो इतना ही डालो कि आपका मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अभी हमने जो है पाए कुकर में से निकाल के यहाँ पर रखे हैं और ये पाए बहुत अच्छी तरह से गले हैं, यानी कि हड्डियों ने गोश्त को नहीं छोड़ा है और गल भी गए हैं। और आप चूस के भी उसको, बच्चे जो है छोटे नलियाँ चूसते हैं या बड़े चूसते हैं तो वैसे भी खा सकते हो और परफेक्ट गले हैं। आप जब भी पाए बनाओ तो ये ऐसे ही करना है कि एक सीटी आने के बाद आप उसे 45 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पाए हैं तो आपको क्या करना है कि उसे और 5 मिनट या 7 मिनट और ज़्यादा बढ़ा देना है। आप क्या करेंगे, हम ये जो हमने बिरिश्ता है जिसको पीस लिया है ब्राउन प्याज को और ये अदरक पुदीना और कोथमीर है, अभी हम डालते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम क्या करते हैं इसमें जो बाकी का हमारा जो सूप है वो डालते हैं, नमक भी डाल देते हैं। नमक हमने अभी तक कहीं भी नहीं डाला, यूज़ नहीं किया नमक का बिल्कुल भी अभी, और ये डाल दिए हमने नमक और इसको भी चखेंगे हम और अगर कम लगा तो और डाल देंगे। पायो में नमक जो है पहले से नहीं डालना क्योंकि वो ज़्यादा कम हो जाता है और गलते भी नहीं अच्छा। पाए हमारी मम्मी कहती थी कि पाए जो है वो कस जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए नमक जो है वो बाद में ही डाला करते थे बनने के टाइम के साल। हम भी अभी वैसे ही बनाते हैं तो हम भी उनके तरीके से ऑथेंटिक तरीके से जो है नमक बाद में ही डालना पसंद करते हैं और बाद में ही डालते हैं। अभी हमारे पास जो सूप था वो हम डाल रहे हैं इसमें। हमने एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं मिलाया है, वही जो पायो का था उसी में हमने पकाया है इसको। अब इसको हम ढक्कन लगा के जोश आने तक पकने देते हैं और मसाले ये जब तक जज्ब नहीं हो जाते तब तक ये 10 मिनट तक पकेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और अच्छी तरह से पक चुका है ये मसाला। हम क्या करते हैं इसमें गैस की फ्लेम को माफ कर देते हैं। गरम मसाला हम अभी और नहीं डालेंगे, गरम मसाला हमने पकने में काफ़ी डाल दिया था तो अब जो गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप इसे रोटी, नान या लंबे पाव या पाव के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है पाव के साथ में और तंदूरी रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और अगर कुछ ना हो तो खिचड़ी बना लो, खिचड़ी के साथ में भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।